सब्सक्राइब कीजिए हमारे टेक्निकल टच यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को और नई वीडियोस देखिए सबसे पहले। दोस्तों, टाइम सेविंग आजकल के फास्ट दौर में बहुत ही ज़रूरी है और हमें टाइम सेविंग करनी भी चाहिए, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं और टाइम सेविंग ज़रूरी होती है। तो उसी दौरान हम मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, किसी ख़ास बंदे का मैसेज वगैरह आ जाता है, तो टाइम सेविंग करते हुए आप मैसेज वगैरह किस तरह टाइप कर सकते हैं अपनी वॉइस के साथ, आज मैं वो आपको तरीका सिखाऊंगा। आप अपनी आवाज़ के साथ सिंपल तरीके से आप जिस तरह मैसेज लिखना चाह रहे हैं आप बोलेंगे, वो मैसेज आपका टाइप कर देगा। तो टाइम सेविंग के रिलेटेड जो है ये वीडियो है और अपनी वॉइस से आप जो है मैसेज वगैरह टाइप कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ये आपको जो शो हो रहा है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो इधर सब्सक्राइब पे क्लिक कर दें और बेल आइकन पे आप ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना। ये ऐप है, एक काफ़ी अच्छी ऐप है, मैं ख़ुद भी यही यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। तो वॉइस से मैसेज जो है आप टाइप कर सकते हैं। इसी तरह की एक ऐप है गूगल स्पीच, तो वो तो इंग्लिश में कॉमनली जो है इंग्लिश में बोले तो वो टाइप करता है, लेकिन ये जैसे मर्ज़ी, जैसे हम पाकिस्तानी जो है मैसेज वगैरह लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छी ऐप है। प्ले स्टोर में आपने जाना है और प्ले स्टोर में आपने लिखना है स्पीच नोट। ये देखो स्पीच नोट लिखना है और ये वाली ये आइकन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, और ये स्पीच नोट स्पीच टू टेक्स्ट, तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो 4.2 रेटिंग है इसकी, काफ़ी अच्छी ऐप है, मैं ख़ुद भी यही यूज़ करता हूँ, काफ़ी टाइम सेविंग होती है इससे और इजीली आप जो है फास्ट मैसेज वगैरह अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हैं टाइप करके। तो हम अभी देखते हैं ये यूज़ किस तरह करते हैं, तो हम इसे ओपन कर लेंगे। तो ये देखें, सबसे पहली बात जो ये है कि आपने जो ये सारी जो लिखी हुई है आपने ये इसको रीड कर लेना कि क्या क्या इसमें कह रहे हैं, तो फिर हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें, ये जो आपको ऑरेंज कलर का माइक का बटन नज़र आ रहा है, तो इसे आपने ऐसे प्रेस करना है, मीन टच करना है, तो ये ऑन हो जाएगा। मैंने अभी चूँकि अपना जो मोबाइल है कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए अगर मैं बोलूँ और थोड़ा लेट लिखे तो परेशान नहीं होना, आप मोबाइल में ऐसे बोलेंगे तो ये बिल्कुल ठीक लिखेगा, मैंने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ ना अभी इसलिए। तो इसकी इधर सेटिंग्स भी हैं, आप न्यू नोट्स भी ऐड कर सकते हैं, ओपन नोट मींस के आप जो मैसेज वगैरह लिखा है उसको सेव भी कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, पीडीएफ भी कर सकते हैं उसका, अगर आपने इसका प्रिंट निकलवाना हो या पीडीएफ वगैरह बना के इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। एक्सपोर्ट फाइल टू एसडी कार्ड, आप अपने मेमोरी कार्ड में भी इसको सेव कर सकते हैं, और सेंड के ऑप्शन लिख के आप अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह ये मैसेज जो है ना टाइप करता है। तो हम इसे रिकॉर्डिंग वाले बटन को ऑन कर लेंगे और बोलेंगे, हेलो ब्रदर, कैसे हो आप। ये देखें जैसे हम बोलते हैं उसी तरीके से इसने मैसेज टाइप कर दिया है। तो आप इधर से जो है अपने दोस्तों को, ये सेंड वाला बटन है, इसे आप सेंड भी कर सकते हैं, और अगर इसे सेव करना चाहें तो आप इधर से सेव भी कर सकते हैं, तो ये सेव हो जाएगा, इसको बाद में भी ओपन कर लेंगे। अभी हम फिर से दोबारा ट्राई करेंगे कुछ और बोल के, जैसे मैसेज हम रेगुलर लाइफ में मैसेज टाइप करते हैं वैसे ही ये जो है मैसेज सुन के और टाइप कर देगा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। ये देखें इसने टाइप कर दिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तो इसी तरह आप फास्ट तरीके से अपनी वॉइस के साथ जो है फास्ट तरीके से मैसेज टाइप कर सकते हैं, और इसको इससे आपकी टाइम सेविंग भी हो जाएगी, और अगर आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं तो मोबाइल जो है पकड़ना आप मुनासिब नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी से इधर वॉइस मैसेज टाइप करें तो मैसेज जो है लिखा जाएगा और अपने दोस्त को सेंड कर दीजिए। सिंपल वे है, काफ़ी अच्छी ऐप है, मैं ख़ुद भी यही यूज़ करता हूँ। तो
ये सेटिंग्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।